हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है बी टी इक्वेशन या फिर बी टी थ्योरी ऑफ मल्टीलेयर लेयर बीटी बी टी थ्योरी तीन साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी उन तीनों साइंटिस्ट का नाम है ब्रूनार इमेट, टेलर। चन्स ऑफ बी टी इक्वेशन पहली एड्प्शन थी एडजप्शन साइट्स आर यूनिफॉर्म एंड लोकलाइज दूसरी एड्जप्शन थी मल्टीलेयर्स आर फोम्ड मल्टीलेयर्स का मतलब है जैसे ये कोई सरफेस है यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो रहा है तो इसके ऊपर भी और मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब होंगे जिससे कि मल्टी लेयर बन जाए और सिंगल सेम मॉलिक्यूल की जो लेयर होती है उसे बोलते हैं हम मोनो लेयर एट वन साइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एडजोप्शन एट नेबरिंग साइट फोर्थ एजेप्शन थी डेल्टा एच यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेगा फिफ्थ एजेप्शन सर्फेस एरिया ऑफ एडजॉर्ब साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्री टाइ एंड माइनस वन इस ऑब्जेक्शन के आगे लिखेंगे इट वॉज अज्यूम्ड दैट द मोलिक्यूल्स कैन बी एब्जॉर्ब इन सेकेंड थर्ड एंड एनथ लेयर्स द सर्फेस एरिया अवेलेबल फॉर एनथ लेयर इक्वल टू द कवरेज ऑफ द एन माइनस वन लेयर यही बात हमने डायरेक्टली लिखी हुई है यहाँ पे सिक्स ऑब्जेक्शन थी हीट ऑफ एडजोर्प्शन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ लिक्विफिकेशन नाउ बेस्ड ऑन फॉलोइंग एज्शन ब्रोनर एमेट टेलर ड्राइव द फॉलोइंग इक्वेशन नोन एज बीटी इक्वेशन इन्ही एजप्शन के बेस्ड पे इन तीनों साइंटिस्ट ने इक्वेशन दी थी जिसका नाम था बीटी इक्वेशन ये हमारी बी टी इक्वेशन है द बी टी इक्वेशन इज गिवन एज पी बाई वी टोटल पी नोट माइनस पी इक्वल टू वन बाई वी मोनो इंटू सी प्लस सी माइनस वन अपोन वी मोनो इंटू सी इंटू पी बाय पी नोट इस इक्वेशन को हमें याद रखना है जहाँ पे वी टोटल क्या होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस एडजोर्ब कितनी वॉल्यूम गैस की एडजॉर्ब की गई एड्जॉर्ब एंट पे वी मोनो वॉल्यूम ऑफ गैस एड्जॉर्ब एट मोनोलेयर पी नोट प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पी प्रेशर ऑफ गैस एड्जॉर्ब सी कॉन्टेंट डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ गैस इन इस थ्योरी के बाद हमें ग्राफ बताना है ग्राफ किस किस के बीच में होगा ग्राफ होगा पी बाई वी टोटल पी नोट माइनस पी के बीच में और पी बाई पी नोट के बीच में तो देखो वाई एक्सिस पे लिख दिया पी बाई वी टोटल पी नोट माइनस पी एक्स एक्सिस पे लिख दिया पी बाई पी नोट इसी इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं स्ट्रेट लाइन से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तो ये y है mx ये x है तो ये पूरा क्या हो गया m m को बोलते हैं हम स्लोप प्लस c तो ये हो गया c c को बोलते हैं इंटरसेप्ट यहाँ पे इंटरसेप्ट की कुछ वैल्यू है तो ग्राफ हो यहाँ से शुरू होगा हमारा हम यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी और ये होगा हमारा स्लोप इस ग्राफ के बाद अब हमें डेरिवेशन करना है बी टी इक्वेशन का जो कि इस तरह है ब्रोनर एमेट टैलर प्रोपोजे मॉडल फॉर मल्टीलेयर एडजोप्शन नॉन एस बेटी आइसोथम अकॉर्डिंग टू दैम फर्स्ट स्टेप इन एडजप्शन इज उनके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप एडजप्शन का क्या था ए प्लस एस गिव्स ए एस जहाँ पे इसका कॉन्सटेंट होगा के वन जो होगा थीटा वन बाई थीटा वी इंटू पी के ए क्या होगा गैस इज एडजोर्ब मतलब जो गैस एडजोर्बेंट पे एडजोर्ब होती है न उसे बोलते हैं एडजोर्बेट तो यहाँ पे ए क्या है एडजोर्ब बेट है एस क्या है कितनी वैकेंट साइट है सरफेस पे जहाँ पे गैस एडजॉर्ब हो सकती है और ए एस क्या रिप्रेजेंट करेगा एडजोर्ड मॉलिक्यूल ऑफ ए या फिर सिंपली लिख देंगे ऑक्यूपाइड साइट ऑन द सर्फेस ए एस क्या है कितनी ऑक्यूपाइड साइट कर ली गई है किसी सरफेस पे मतलब कितनी गैस एडजॉर्ब हो चुकी है किसी सर्फेस पे के वन बता दिया था इक्लिबिरियम कॉन्स्टेंट होता है थीटा वन फ्रैक्शन ऑफ द सर्फेस साइड्स कवर्ड बाय सिंगल मॉलिक्यूल कितनी सर्फेस की साइड सिंगल मॉलिक्यूल के द्वारा कवर्ड की गई हैं थीटा वी फ्रैक्शन ऑफ वैकेंट साइड्स यहाँ पे वी वैकेंट साइड्स के लिए माना गया है पी क्या है प्रेशर ऑफ गैस दे फर्दर एज्यूम दैट उन्होंने एक और ऑजेप्शन ली थी कि क्या एडिशनल मॉलिक्यूल सिट ऑन द टॉप ऑफ वन एंड अदर टू फॉर्म मल्टीलेयर्स दिस प्रोसेस वॉज इंटरप्टिड ए सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इच विद एन अप्रोप्रिएट इक्विब्रियम कॉन्स्टेंट उन्होंने फर्दर एसेप्शन ली कि बहुत सारे मोलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएंगे और मल्टीलेयर फॉर्म करेंगे ये मैंने बताया था ना ये कोई मॉलिक्यूल की लेयर है तो इसके ऊपर और मोलिक्यूल आके बैठ जाएंगे और मल्टीलेयर्स की फॉर्मेशन करेंगे अब और यही जो एडिशनल मोलिक्यूल सिट करते हैं यही रोक की जाएंगी सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिक्वेशन के द्वारा जिसके पास खुद का इक्लिबरियम कॉन्स्टेंट होगा जो सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इस तरह है ए प्लस ए एस गिव्स ए टू एस कहाँ तक आ चुके थे हम पहले स्टेप में ए प्लस एस गिव्स ए एस तो ये ए एस लेंगे अब ए प्लस ए एस गिव्स ए ए टू एस वैसे ए टू एस यहाँ पे रखेंगे तो ए थ्री एस एस एन एन तक चलेंगे तो ए प्लस ए एन माइनस वन एस गिव्स ए एन एस जहाँ पे उनका इक्बिरियम कॉन्स्टेंट होगा सेकेंड स्टेप के लिए होगा के टू इक्वल टू थीटा टू अपॉन थीटा वन इंटू पी के थ्री के लिए थीटा थ्री अपॉन थीटा टू इंटू पी ऐसे ही के एन होगा थीटा एन अपॉन थीटा एन माइनस वन इंटू पी ऑल ऑफ दिस प्रोसेस एक्सेप्ट द फर्स्ट फर्स्ट स्टेप मतलब जो हमारा सबसे पहले लिया था इसको छोड़ के बाकी सारे रिगार्डेड एज इक्वलेंट टू लिक्विफिकेशन लिक्विफिकेशन के रिगार्डेड इक्वलेंट हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो इनका सारों का जो इक्वीबरियम कॉन्स्टेंट है वो सेम होगा जो किसी के के इक्वल लिखा हुआ है तो के टू के थ्री के फोर के एन इक्वल टू के वीयर के इज द इक्लिबरियम कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन लिक्विफिकेशन है के है तो ए गैस से ए लिक्विड में चला गया जहाँ पे इक्लिबिरियम कॉन्सटेंट के है ना वो वन बाय पी नोट के इक्वल होगा पी नोट क्या होगा इक्लिबरियम वेपर प्रेशर नाउ वी कैन यूज इक्लिबरियम कंडीशन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेरियस वेरियसिटाई अब थीटा आई की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए क्लियोमीडियम कंडीशन लगाएंगे थीटा टू थीटा थ्री थीटा फोर यहाँ से निकाला हुआ है कि थीटा टू की वैल्यू क्या होगी थीटा वन उधर चला जाएगा के टू इंटू थीटा वन इंटू पी वैसे थीटा थ्री की के टू इंटू थीटा टू इंटू पी के एन की थीटा एन की क्या आएगी के एन इंटू थीटा एन माइनस वन इंटू पी यही लिखी हुई है ये तो देखो एक थीटा टू क्या है थीटा वन इंटू के पी और थीटा थ्री है थीटा टू इंटू के पी तो थीटा टू की वैल्यू रखी हुई है क्या थीटा वन इंटू के पी थीटा वन इंटू के पी ये थीटा टू की वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है थीटा थ्री में तो के पी इंटू के पी के पी का स्क्वायर थीटा वन इंटू के पी का स्क्वायर सिमिलरली थीटा फोर आ जाएगा थीटा वन इंटू के पी का क्यूब थीटा फाइव थीटा वन इंटू के पी की पावर फोर ऐसे ही थीटा सिक्स थीटा वन इंटू के पी की पावर फाइव तो ये हमने जैसे देखा कि के पी की पावर है ना जैसे थीटा थ्री है तो एक पावर कम होकर आ रही है फोर है तो थ्री आ रही है फाइव है तो फोर आ रही है थीटा वन सबके आगे लग रहा है तो हम कह सकते हैं आई स्टेप के लिए क्या आएगा थीटा थिटाई इक्वल टू थीटा वन तो आएगा ही और के पी की पावर एक कम तो आई माइनस वन थिटाई की वैल्यू निकल गई नाउ सम ऑफ ऑल दीज फ्रैक्शंस मस्ट बी इक्वल टू यूनिटी इन सब का सम इन फ्रैक्शन थीटा क्या है फ्रैक्शंस हैं तो इन सब का फ्रैक्शंस का सम यूनिटी के इक्वल होना चाहिए तो थीटा वन प्लस थीटा टू थीटा थ्री डॉट 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 थीटा आई तक प्लस थीटा वी कितने वैकेंट साइड्स हैं इक्वल टू वन तो यहाँ तक क्या होगा समीशन ऑफ थीटा ई प्लस थीटा वी इक्वल टू वन तो थीटा एट समीशन क्या लिख सकते हैं थीटा वन थीटा वन इंटू थीटा वन प्लस टू थीटा थ्री तो थीटा वन की वैल्यू क्या थी यहाँ से निकाले हुए थीटा वन इन्टू के पी और थीटा थ्री की थीटा वन इंटू के पी स्क्वायर थीटा फोर की थीटा वन इंटू के पी क्यूब यही वैल्यू रखी हुई है तो अब इन सब में से के पी इन सब में के पी की वैल्यू को एक्स माना हुआ है तो के पी की जगह एक्स तो एक्स एक्स का स्क्वायर एक्स का क्यूब ये वैल्यू आ गई अब हमें पता है एक्सपेंशन एक होता है कि वन प्लस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब इक्वल होता है वन अपॉइंट वन माइनस एक्स ये डायरेक्ट याद करना है या फिर ये मैथ में होता है तो इसकी जगह रख देंगे हम वन अपॉइन वन माइनस एक्स वाला एक्सपेंशन तो इस जगह रख दिया थीटा वन इंटू वन अपॉइन्ट वन माइनस एक्स प्लस थीटा वी इक्वल टू वन इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन टू नाउ यूजिंग इक्लिबीरियम कंडीशंस हमें मिला टिटा वी की वैल्यू होती है टिट्टा वन अपॉन के वन इंटू पी अब स्टार्टिंग में हमने बताया हुआ है यहाँ से पहले स्टेप में था ना थिट्टा वी की वैल्यू निकाली हुई है तो टिटा वी उधर आ जाएगा तो ठिटा वन यहाँ से थिटा वी क्या आ जाएगा थिटा वन अपॉन के वन पी यही वैल्यू यूज़ की हुई है यहाँ पे इस स्टेप में तो अब हमें एक न्यू कांस्टेंट डिफाइन करना है सी जो के वन बाई के होगा इसका यूज होगा कहां पे पहले इस इक्वेशन को के से मल्टीप्लाई और के से डिवाइड करना है तो के से मल्टीप्लाई और के से डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को तो मैंने बताया कि के वन बाई क्या क्या न्यू न्यू डिफाइन किया था सी तो के वन बाय के की जगह रख दिया सी तो थीटा वी क्या होगा थीटा वन बाय सी इंटू के पी अब के पी को हम एक्स मानते चल रहे हैं तो सी एक्स हो गया यहाँ पे के पी की जगह तो अब थीटा वी की वैल्यू आ चुकी है तो थीटा वी की वैल्यू आ चुकी है इक्वेशन थ्री नाम दे देंगे तो इक्वेशन टू में थीटा वी की वैल्यू की जरूरत थी तो यहाँ पे पुट कर दिया तो थीटा वन इंटू वन अपॉन वन माइनस एक्स और थीटा वी की वैल्यू भी एक्स की टर्म्स में आ चुकी है जो पुट करने के बाद हमें मिलेगी ये यहाँ पर थीटा वी की वैल्यू रखी हुई है अब कुछ नहीं है एलसीएम ले लिया वन माइनस एक्स और सी एक्स वन माइनस एक्स सी एक्स एल लेने के बाद ये आ गया तो अब थीटा वन कोमन ले सकते हैं तो क्या बचा सी एक्स प्लस वन माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इंटू सी एक्स इज कॉल्ड थीटा वन की वैल्यू लानी है तो थीटा वन की वैल्यू लानी है, तो ये टर्म उधर चली जाएगी तो ये ऊपर आ जाएगा ये ये नीचे आ जाएगी टर्म तो वन माइनस एक्स इंटू सी एक्स अपॉन सी एक्स प्लस वन माइनस एक्स ये थिटा वन की वैल्यू हम निकाल तो सकते हैं लेकिन अच्छा रहेगा कि ये याद रहे क्योंकि बड़ी डेरिवेशन है गड़बड़ होने की दिक्कत रहेगी तो थीटा वन होगा वन माइनस एक्स इंटू सी एक्स सी एक्स प्लस वन माइनस एक्स इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा लेट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एडजोर्ड पर यूनिट मास ऑफ एडजोर्बेंट एन है और सी एस है टोटल नंबर ऑफ सरफेस पर यूनिट मास तो सी एस इन थीटा वन होगा नंबर ऑफ साइट्स कैरिंग एक मॉलिक्यूल सी एस थीटा टू नंबर ऑफ साइड्स कैरिंग टू मॉलिक्यूल्स एंड सो ऑन तो ये ये स्टेप हमें याद रखना है कि एन होगा सी एस इंटू वन थीटा वन प्लस सी एस इंटू टू थीटा टू प्लस सी एस इंटू थ्री थीटा थ्री प्लस डो 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 यहाँ से सी एस को मन लेंगे तो क्या होगा वन थीटा वन टू थीटा टू थ्री थीटा थ्री वन टू थ्री डो 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 डोट आई तक ऐसे थिटा वन थीटा टू थीटा थ्री डो डो डॉट आई तक तो हम लिख सकते हैं इसे आई इंटू थिटाई और इनका सबका समय तो समी लगा दिया अब थीटा आई की वैल्यू हमने निकाली हुई है इक्वेशन स्टार नाम दिया हुआ है तो इक्वेशन स्टार को नाम यूज करके थिटा आई की वैल्यू रख दी जो थी थिट्टा वन इंटू के पी की पावर आई माइनस वन नाउ सी एस इंटू थिट्टा वन इज टू समिशन ऑफ आई इंटू के पी का आई माइनस वन आ गया फिर उसके बाद क्या लिखेंगे अब हम के पी को हर जगह एक्स लेके चल रहे हैं तो के पी की जगह एक्स रखा के पी की जगह एक्स रखा तो समिशन ऑफ आई इंटू एक्स आई माइनस वन वैसे ही पहले एक्सपेंशन यूज किया था वैसे एक्सपेंशन का यूज करके इस टर्म की वैल्यू आएगी वन अपॉइंट वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो इसमें पुट कर रखी है वन अपॉइंट वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर डायरेक्टली लिख देना लिख देना है नाउ वी नो दैट दिस इज इक्वल टू वन माइनस वन अपॉइंट वन माइनस एक्स का स्क्वायर तो पुट करने के बाद एन की वैल्यू ये आ गई इसे इक्वेशन फोर नाम देना है इफ़ द एंटायर मास कवर्ड बाय इफ द एंटायर मास इज कवर्ड विद ए मोनोलेयर देन दैन एन मोनोलेयर इज इक्वल टू सी एस मतलब अगर एंटायर मास मोनोलेयर से कवर कर दिया जाएगा तो सी एस की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी एन मोनोलेयर की तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ सी एस है वहाँ पे एन मोनोलेयर रखना है तो सी एस की जगह एन मोनोलेयर रख दिया तो एन इक्वल टू एन मोनो इन टू थीटावन इंटू बन अपोन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाकी सारा एज इट इज सी एस की जगह सिर्फ एन मोनोलेयर रख रखा है इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन फाइव अब नाउ पुट वैल्यू ऑफ थीटा थीटावन फ्रॉम इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन फाइव थिट्टा वन की वैल्यू रखनी है इक्वेशन थ्री से इक्वेशन फाइव में थिट्टा वन की वो वैल्यू जो मैंने कहा था आपको याद रखनी है क्या थी सी एक्स इंटू वन माइनस एक्स अपॉन सी एक्स प्लस वन माइनस एक्स थी वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर रखी है तो वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर से एक कट जाएगा तो बचा क्या गया सी एक्स ये वैल्यू और वन माइनस एक्स वाली वैल्यू नाउ एन मोनो इस साइड ले जाएंगे तो एन बाई एन मोनो बाकी टर्म इज़ इस चीज़ के बाद हमें सीधा लिख देना है कि जो वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल है एन so के सो दैट वी हैव एन बाई एन मोनो इक्वल होगा वन बाई वी मोनो वी बाई वी मोनो के वी टोटल लिख दो चाहे वी बाई वी मोनो लिख दो एक ही बात है तो यहाँ पे एन बाई एन मोनो की जगह वी बाई वी मोनो रख रखा है फिर उसके बाद के रखना है अब रखना है एक्स की जगह पे के पी हमने हर जगह एक्स की, की जगह के पी रख रखा था और के की वैल्यू क्या थी वन बाय पी नोट थी तो के की जगह रख सकते हैं हम वन बाय पी नोट तो वन बाई पी नोट इंटू पी तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई पी बाय पी नोट तो जहाँ पर बी एक्स है इस इक्वेशन में वहाँ वहाँ पे रख देंगे पी बाय पी नोट तो एक्स की जगह पे पी p पी नोट रख दें या, एक तो यहाँ पे है एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है पी बाय पी नोट रख रखा है यहाँ यहाँ और यहाँ अब क्या रख रखा है सिंपली इस टर्म को नहीं छेड़ना है पी बाय पी नोट तो पी बाय पी नोट नीचे आ जाएगा यहाँ पे नीचे रख रखा है और इस टर्म में पी नोट एलसीयम ले रखा है तो पी नोट माइनस पी आ जाएगा तो पी नोट से पी नोट कैंसिल बाकी जो बचा वो यहाँ रख देंगे इक्वेशन सेवन नाइम नाम दे रखा है नाउ अब ये स्टेप हमें याद रखना है कि पी नोट माइनस पी से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स इक्वेशन सेवन को तो इस साइड भी मल्टीप्लाई किया हुआ है और इस साइड भी मल्टीप्लाई किया हुआ है दोनों दोनों तरफ तो अब जो कटे वो काट दे पी नोट माइनस पी कटता है और पी पी कटता है तो कटने के बाद बची ये वाली टर्म तो इस वाले टर्म के बाद हमें रेसिप्रोकल ले लेना है इस टर्म का तो वी मोनो अपॉन वी टोटल और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा पी बाय पी नोट माइनस पी तो ये रेसिप्रोकल करके लिखा दिखाओ इसका रेसिप्रोकल ये टर्म ऊपर और ये टर्म नीचे यहाँ पे रख दिया तो रेसिप्रोकल करने के बाद ये वैल्यू आई अब सी को दोनों अलग अलग कर देंगे तो सी एक बार इसके साथ और एक बार इस टर्म के साथ अब वी मोनो को उस साइड ले जाएंगे उस साइड ले जाने के बाद ये टर्म आ गई वी मोनो इसके साथ वी मोनो इसके साथ दोनों दुन, दोनों टर्म के साथ भी मनवा गया अब हम ये जो टर्म आई उसी को बोलते हैं बी टी इक्वेशन दिस इक्वेशन इज नोन एज बी टी इक्वेशन अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं